और बजट 2023 में किस तरीके से इंडस्ट्री फाइनेंस मिनिस्टर के अनाउंसमेंट्स को देख रही है, चलते हैं सीधे इस वक्त मेरे साथ प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन एंड द कंपनी दैट रिप्रेजेंट्स वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स, विनोद अग्रवाल साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से इस बजट को देखा गया है, ग्रोथ को महत्व दिया है और एक तरह से बैलेंस यहाँ मेंटेन करने की बात की है सरकार ने, आपका पहले तो रिएक्शन ऑन द बजट? आई थिंक इट इज ये बहुत बढ़िया बजट है, इमीडिएट रिएक्शन, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है जी। और ऑटो सेक्टर के लिए अच्छा है जी। हमारा जब चर्चा हुआ था गवर्नमेंट के साथ या फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि हमारी क्या रिकमेंडेशन है, तो हमारी मेजर रिकमेंडेशन यही थी कि आप जो आपका फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, उसको बना के रखिए जी। और उसको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है, नॉट ओनली बना के रखा गया, उसमें एलोकेशन और बढ़ा दिया। 7,50,000 करोड़ से अभी 10,00,000 करोड़ का है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का हिस्सा डालने के बाद वो 13,50,000 करोड़ है शायद जी, विच इज ए वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल स्टेप, वेरी रिस्पेक्टेबल अमाउंट, हाँ, कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ही अहम हो जाता है। हाँ जी जी। ऑटो स्पेसिफिक बात करें और ग्रीन एनर्जी पर जो फोकस किया गया है, मोबिलिटी पर कैसे उसको देखते हैं, सेक्टर के लिए क्या मायने होगा? ये जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी और डीकार्बोनाइजेशन, ये हमारे ऑटो सेक्टर के भी ये मेन फोकस के मुद्दे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी इनके ऊपर पूरा फोकस है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ऑटो सेक्टर और गवर्नमेंट इसमें पूरा अलाइंड है। तो गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफिकली बजट में अनाउंस किया कि ग्रीन इकोनॉमी इज़ गोइंग टू बी देयर बिग फोकस एरिया एंड एज पार्ट ऑफ दैट दे विल टेक वेरियस इनिशिएटिव्स टू प्रमोट अल्टरनेट फ्यूल्स लाइक बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन के ऊपर उन्होंने काफ़ी बोला है कि हम कई फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। अब बायोफ्यूल्स की फैक्ट्री लगाने से हमारे किसानों को भी फ़ायदा होता है क्योंकि उनके जो वेस्ट है वो फ्यूल में कन्वर्ट होगी, वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उससे निकल के आएगी। तो उसके अलावा हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया था उसके ऊपर फोकस की बात द्वारा फिर करी गई है। तो ये सारी चीज़ें ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी हैं बिकॉज ऑटो सेक्टर भी माइग्रेट कर रहा है बेटर फ्यूल्स के लिए और गवर्नमेंट की तरफ से भी फोकस है। ओके सर, फुली अलाइंड। सर ये साल ऑटो सेक्टर के लिए कैसा दिख रहा है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स में वापस ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, डिमांड बहुत स्ट्रांग रही है पीछे सालों में फॉर द ओवरऑल सेक्टर, पैसेंजर व्हीकल लेड थी, बट अब आपको लगता है ये साल सीवीज के लिए होगा? सीवीज के लिए तो ये साल है ही है बिकॉज वैसे अभी भी इस साल भी हम सीवीज टोटल अगर देखेंगे ना तो ओवरऑल जो अर्लियर पीक था उससे कम रहेंगे, स्पेशली हैवी ड्यूटी ट्रक्स में, बसेज में और एक्सपोर्ट्स में, बिकॉज एक्सपोर्ट्स में हमारे काफ़ी ड्रॉप हुआ है। तो इसलिए इस सीवी सेक्टर में अगले आने वाले समय में भी अच्छा ग्रोथ रहेगा। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो रिप्लेसमेंट मार्केट है, क्योंकि रिप्लेसमेंट मार्केट आज सरकार ने ये भी बात की, स्क्रैपेज के ऊपर भी बात करी है कि गवर्नमेंट के जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके ऊपर वो फंडिंग करेंगे जी। तो स्पेसिफिकली एलोकेट जब करेंगे तो रिप्लेस हो जाएंगी वो जी। तो डिमांड उससे बढ़ेगी, डिमांड उससे और बढ़ेगी। तो रिप्लेसमेंट में वैसे ही पुराने ट्रक जो हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है, वही लोगों की एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना है, तो अगर वो कम करना है तो नए ट्रक लेने पड़ेंगे। तो रिप्लेसमेंट की डिमांड बहुत स्ट्रांग होने वाली है, रिप्लेसमेंट की वजह से ये सेक्टर आगे अच्छा ग्रो, वैसे ही डाउन है अभी अर्लियर पीक से, करेक्ट, सो इट हैज टू गो बैक, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड रीच दैट लेवल 23-24 अच्छा रहना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए। थैंक यू।